गुनाह की तस्वीरें यूं तो कई रंग लिए होती हैं, लेकिन आज जिसे जुर्म से हम आपको रूबरू कराएंगे वो कुछ अलग है। हम यहाँ आपको एक उस महिला के करतूत से रूबरू कराएंगे जो यूं तो आशा सहयोगिनी के रूप में जानी जाती है, लेकिन अपने इस चेहरे के पीछे छुपा था उसके जुर्म का चेहरा भी, जो अपने साथियों के साथ मिलकर करती थी बच्चों की चोरी की वारदात। लेकिन जब पुलिस को खबर मिली तो पुलिस खुद ग्राहक बन गई, गुनहगारों से सौदा किया गया और जब डील हो गई तो कस लिया गया इन शातिरों पर शिकंजा। रिपोर्ट इंदौर से। मध्य प्रदेश में 7 सालों से बतौर आशा कार्यकर्ता काम करने वाली ये महिला अब इंदौर पुलिस के शिकंजे में है। अपने 3 दूसरे साथियों के साथ ये कुछ गुनाह के आरोप में पकड़ी गई है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। दरअसल इन गुनहगारों पर आरोप है इस बच्चे के चोरी करने का। करीब 15 दिन पहले इन आरोपियों ने इस 1.5 साल के बच्चे को चुराया और फिर करीब 4 लाख की कीमत पर इसके सौदे के लिए कोशिशें शुरू की गई। दरअसल 14 मार्च को भाऊकुआ इलाके में मजदूरी करने वाले एक परिवार के मासूम बच्चे सुमित के गुम हो जाने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। बच्चे के परिजनों के मुताबिक उनके 4 बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। इसी दौरान दोपहिया वाहन से आए 2 बदमाशों ने सुमित को चॉकलेट खिलाकर गाड़ी पर बिठाया और उसे लेकर फरार हो गए। ये बाद में बच्चा मिला हमारा, ये भाई के हाथ में, संगीता भाई, ये इनके हाथ में मेरा बच्चा मिला। कितने दिन से गायब था? 1 महीने से, ये 14 तारीख से गायब हुआ है। कहाँ से गायब हुआ था? आईटी पार्क में खेल रहा था। हाँ, तीनों बच्चे खेल रहे थे मेरे, और सबसे पीछे यही था, इसके सबसे पीछे वाले को ये उठा के ले गए, और दोनों जने उठा के ले गए वाइफ ने। आपने देखा था कि इस महिला को पहले से? नहीं देखा सर। ये आसपास ही दूसरे नहीं थे, कोई भी नहीं आसपास, हम काम पे चले गए थे मजदूरी करने की। पुलिस जांच में सामने आया है कि शहर में मानव तस्करी करने वाला गिरोह बच्चे बेचने की फिराक में है। सौदा तय होने के बाद गिरोह के लोग संगीता के साथ राजू ठाकुर, लाला सोलंकी, शहल खान बच्चे को बेचने के लिए पहुंचे थे। जैसे ही बच्चा सौंपा गया टीम ने सभी को शिकंजे में ले लिया। महिला ने पूछताछ में बताया कि उसने कुछ दिनों पहले लिखा पढ़ी के आधार पर किसी को 3 लाख रुपये में 1.5 महीने की बच्ची का सौदा करना भी कबूल किया था। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी बच्चे को बेचने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर से पुलिस ने और क्राइम ब्रांच और भवरपुरा पुलिस की जॉइंट टीम के द्वारा इसमें प्लानिंग की गई और उसी खरीदने की योजना तैयार करके खरीदने के बहाने से इस पूरे मामले को इनको बुलाया गया और एक डील की गई। जब ये डील की गई तो ये सभी आरोपी मैं बच्चे के इसमें आए और जब पुलिस ने पकड़ा तो ये जो लोग पकड़े गए हैं उनमें से एक मुख्य जो सरगना है वो राजू ठाकुर नाम का व्यक्ति है। इस ये मूल रूप से गांव है, ऊन थाना क्षेत्र में खरगोन का रहने वाला है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गिरोह के 2 लोग कमीशन पर ग्राहक ढूंढते थे, वहीं 2 अन्य बदमाश बच्चा चोरी करने की वारदातों को अंजाम देते थे।
वारदात को अंजाम देने के बाद गिरोह की सरगना संगीता बच्चे को बेचने के काम को अंजाम देती थी। पुलिस की माने तो गिरोह की सरगना संगीता पिछले 7 सालों से आशा कार्यकर्ता के रूप में काम करती आई है, जिस कारण महिला शहर की कई हॉस्पिटल मसलन MY, जिला अस्पताल मल्हारगंज में स्टाफ के लोगों से संपर्क में थी, जिसके कारण हॉस्पिटल में होने वाली डिलीवरी की जानकारी मिल जाती थी। यही नहीं, गिरोह के एक सदस्य लाला सोलंकी महू में मैरिज ब्यूरो संचालक है, जिसने भी शादी के नाम पर कई लोगों के साथ ठगी की है। महिला आरोपी ने कई महिलाओं की निजी क्लिनिक में अवैध रूप से डिलीवरी भी कराना कबूल किया है। संगीता नाम की और एक लाला सोलंकी नाम का भी व्यक्ति इनके संपर्क में आया, जो इस पूरे ग्रुप का सरगना था। और संगीता जो नाम की महिला है, मूल रूप से ये आशा कार्यकर्ता है और जिला अस्पताल जो चंदनगर में वहाँ पे काम करती थी, पिछले 7 साल से काम करती आ रही है। इसी दौरान ही राजू ठाकुर और संगीता का परिचय हुआ था और गोपाल और संगीता जो है, ये जो अपना लाला है उसको अपना जीजा कहती है, जीजा और शादी का रिश्ता है इनमें आपस में। और पूरी योजना में ये सभी आरोपी सम्मिलित रहे हैं। पुलिस ने न केवल बच्चे को सुरक्षित रिहा कराया, बल्कि जो आरोपी थे सभी आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की माने तो गिरोह ने फिलहाल 2 वारदातों को अंजाम देना कबूला है और जिस तरह से गिरोह काम करता है उससे संदेह है कि गिरोह के इन शातिरों ने मानव तस्करी की कई वारदातों को अंजाम दिया है। बहरहाल पूछताछ का दौर जारी है और खुलासों का इंतजार भी। फर्स्ट इंडिया के लिए इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट।